डायबिटीज अनफॉर्चुनेटली इस वक्त ग्लोबल रैंकिंग में ऑन द टॉप पोजिशन है, एंड 33% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की डायबिटिक है। एंड अनफॉर्चुनेटली जो सबसे बड़ा जो अलमिया है वो ये है कि हमारे पास तकरीबन अराउंड 15% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो अनडायग्नोज केसेस पे है, जिनकी स्क्रीनिंग नहीं होती और वो ऑन द स्पॉट स्क्रीनिंग कैंप्स में और इस तरीके से डायग्नोज होते हैं। इससे भी ज्यादा अलमिया वाली बात यह है कि हम डायबिटीज के साथ साथ हम प्री डायबिटीज के इंसिडेंस में भी बहुत ज्यादा आगे हैं, जैसे हम इम्पेयर टॉलरेंस कहते हैं, आईजीटी कहते हैं, बॉर्डर लाइन डायबिटीज कहते हैं। तो तकरीबन हमारे पास जो 22% पॉपुलेशन है वो इस वक्त आईजीटी का शिकार है, इम्पेयर टॉलरेंस का शिकार है, प्री डायबिटीज का शिकार है। तो ट्रेंड तो बहुत ही अलार्मिंग है और इस वक्त जो है यकीनन पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के तमाम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए इट्स अ चैलेंजिंग सिचुएशन। बिल्कुल द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इतना सब कुछ होने के बावजूद व्हाई स्टिल हम जो है वो मैनेजमेंट में क्यों इतना ज्यादा लैकिंग है और हमारे लिए क्या चैलेंजेस हैं। सबसे देखें मैनेजमेंट के, जब डायबिटीज की मैनेजमेंट आती है तो उसमें सबसे बड़ा जो पैरामीटर है वो है एजुकेशन, एजुकेशन एंड अवेयरनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर पेशेंट्स डायबिटीज। अच्छा हम जनरल डायबिटीज पे तो बहुत बात कर रहे होते हैं, लेकिन डायबिटीज इज यू नो इज कस्टमाइज डिजीज। हर पेशेंट, हर बंदे की डायबिटीज दूसरे से डिफरेंट होती है। तो डायबिटीज की मैनेजमेंट में जो चैलेंज आता है वो यही है कि हमें कस्टमाइज्ड एजुकेशन पे काम करना है। बीइंग अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल हमें हर पेशेंट की पर्सनलाइज्ड एजुकेशन पे और उसको ये अवेयर करना है, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ा ही कॉमन चीज है कि हम एक दूसरे को कंपेयर कर लेते हैं, और जो एक घर में अगर किसी को डायबिटीज होती है तो उसको जो ट्रीटमेंट फॉलो किया जा रहा होता है वो खुद ही वही स्टार्ट कर देता है, या उसके लिए जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो खुद ही वो फॉलो करना शुरू हो जाता है इंस्टेड ऑफ के वो अपनी कंसल्टेशन। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो हमारे यहाँ है एजुकेशन। दूसरा जो बहुत बड़ा चैलेंज है वो है पर्सनलाइज्ड केयर प्रोवाइड करने का। पर्सनलाइज केयर में ये होता है कि हर पेशेंट, जैसे मैंने कहा कि पहले तो वो समझे कि वो डायबिटीज उसको है तो कैसे है, क्यों है, उसकी अपनी रीजंस अलग होती हैं, तो उसकी अपनी पर्सनलाइज एजुकेशन और फिर उसके बाद उसकी अपनी पर्सनलाइज केयर। हर बंदे के लिए, हर पेशेंट के लिए ना तो वो डाइट प्लान एक जैसा हो सकता है, ना उसकी एक्सरसाइज प्लान एक जैसे हो सकते हैं, ना उनके सोचने और समझने की सलाहियतों को हम एक ट्रैक पे लेकर आ सकते हैं। तो सेकेंड जो चैलेंज है वो हमारे लिए है कि पर्सनलाइज्ड केयर अप्रोच। जो थर्ड चैलेंज है वो ये है कि मैं पाकिस्तान की अगर बात करूं तो हमारे पास जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है द कम्युनिकेशन इन बिटवीन द पेशेंट एंड द डॉक्टर। एक बैरियर है, एक एक कंसल्टेंट लेवल पे कम्युनिकेशन का पेशेंट के साथ बहुत बड़ा बैरियर है कि अगर पेशेंट को डायबिटीज हो जाती है और वो अपने डायबिटोलॉजिस्ट से जाके मिलके भी आ जाता है, कंसल्ट कर भी लेता है, बच्चों की डायबिटीज इज अ डे टू डे डिजीज। आज कंसल्ट करने पे वो जो इंस्ट्रक्शंस उसने दिए हैं, जरूरी नहीं है कि वो अगले 3 महीने तक उसको फॉलो कर सके। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर दैट पेशेंट कि वो अपने डायबिटोलॉजिस्ट के पास, जो कि हो सकता है कि टाउन में भी ना हो, अपार्ट फ्रॉम द टाउन हो, एक बिग सिटी में हो, एक बड़े हॉस्पिटल सेटअप में बैठा हो, क्योंकि जब भी कोई बीमारी, स्पेशलाइज डिजीज, डायबिटीज इज यू नो इज अ स्पेशलाइज डिजीज, एक क्रॉनिक डिजीज, एक स्पेशल डिजीज है, तो उसके लिए हर बंदा चाहता है कि वो अपने डायबिटीज के कंसर्न डॉक्टर से जाके मिले। तो जब वो एक दफा मिल लेता है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर दैम कि वो दोबारा उनसे कनेक्ट रह सके या अपने प्रॉब्लम को डिस्कस कर सके, अनटिल एंड अनलेस कि आपका दोबारा अपॉइंटमेंट हो और आप दोबारा उसी हर्डल से गुजरे। तो थर्ड जो हमारे पास जो चैलेंज है वो ये है द कम्युनिकेशन इन बिटवीन द पेशेंट एंड द डॉक्टर। एंड द फोर्थ चैलेंजेस, आई एम सॉरी मैं इसका आंसर बड़ा लॉन्ग दे रही हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा चैलेंजेस हमारे इतने हैं। फोर्थ नंबर पे ये है कि हमारे पास जो प्रोवाइडर एंड द पेशेंट का जो रेशियो है वो बराबर नहीं है। एक डॉक्टर है और उसके पीछे जो ओपीडी लगी पड़ी है डायबिटीज के पेशेंट्स की, वो 150-200 पेशेंट्स जो है वो लाइन में खड़े हैं। सो देयर इज अ वेरी मच डिफरेंस इन बिटवीन द यू नो प्रोवाइडर एंड द पेशेंट का जो रेशियो है। तो दीज आर द बेसिक चैलेंजेस विच आई कैन, ये सिर्फ मेरा कहना नहीं है, व्हाट आई हैव सर्वेड इन लास्ट 4 इयर्स बीइंग प्रैक्टिसिंग इन द टेलीमेडिसिन एंड द सर्वेज विच हैव बीन डन इन ऑल द टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म्स दैट आर डेडिकेटेडली वर्किंग फॉर द डायबिटीज ग्लोबली। सो दीज आर द चैलेंजेस दैट कम आउट, एंड अगेन वी विल टॉक अबाउट द सोल्यूशन के अब चैलेंजेस को हम कैसे। तो फिर टेलीमेडिसिन का एक बहुत बड़ा वर्ड है, रिमोट एरियाज हमारे जितने भी हैं, क्योंकि देखें आपको बड़े हॉस्पिटल सेटअप, आपको बाहर
अर्बन एरिया में मिल जाएंगे। इवन अगर मैं थोड़ा सा सिटी का नाम भी अगर लेते हुए आपको थोड़ा सा समझाऊं कि अगर हम सिंध की बात करते हैं तो सिंध में जितनी भी बेसिक फैसिलिटीज और जो अच्छी टर्शरी केयर फैसिलिटीज हैं वो आपको कराची में सबसे ज्यादा मिलती है। देन एज मच एज यू मूव अपवर्ड फ्रॉम कराची आपको वो तमाम फैसिलिटीज जो है वो उस तरीके से नहीं मिलती है। फिर एट द एंड जाके आपको सखर के साइड पे जो है वो एक अच्छा टर्शरी केयर यूनिट जो है वो मिल जाता है। तो इस बिटवीन में इन द सिंध अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ तो जहाँ मेरा एक सर्वे था जो कि मेरा ताल्लुक हैदराबाद से है और मेरी एक बहुत बड़ी अटेंशन रही यहाँ पर, तो यहाँ पर जब अब सर्वे किया जाता है तो मेजोरिटी ऑफ द हैदराबाद पेशेंट्स मूव टू कराची फॉर देयर बेसिक ट्रीटमेंट, फॉर देयर बेसिक ट्रीटमेंट ऑफ द क्रॉनिक डिजीजीज दे यूज टू मूव देयर। वाई? बिकॉज दे ऑफ द नो बेसिक फैसिलिटीज या एक बहुत जो रेशियो है वो बहुत बड़ा डिस्टर्ब है। तो एक तो ये है सिकंदर के यस रिमोट एरियाज में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट देम एक्सेस फॉर देयर क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट, लेकिन इससे भी बड़ा जो चैलेंज है ना वो रिमोट एरियाज के लिए वो ये है कि देखिए फैसिलिटी ऑफ द डॉक्टर्स तो आपको हर जगह मिलते हैं, इवन रिमोट एरिया में भी डॉक्टर्स मौजूद हैं। जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारे पास जो प्राइमरी केयर डॉक्टर है वो ट्रेन नहीं, वो उनको वो एक्सेस नहीं है, वो उनकी एजुकेशन वो ट्रेनिंग नहीं है कि उनको वो स्पेशल डिजीज मैनेजमेंट पे एटलीस्ट फॉर द बेसिक लेवल, फॉर द प्राइमरी केयर लेवल अगर हम रिमोट पेशेंट्स को जो प्रोवाइडेड डॉक्टर्स हैं वहां पर अगर प्राइमरी केयर ट्रेनिंग प्रोवाइड हो जाए तो बहुत बड़ा मसला हल हो सकता है रिमोट पेशेंट्स की एक्सेस टूवर्ड्स द डियर डायबिटोलॉजिस्ट, के एटलीस्ट उनको ये बात पता हो, क्योंकि सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है वो रिमोट एरिया में पेशेंट्स का ये होता है कि उनको यही नहीं पता होता कि उनको बीमारी क्या है, उनको यही नहीं पता होता कि इस बीमारी के लिए कौन से डॉक्टर के पास जाना है और इस बीमारी की क्या कॉम्प्लिकेशंस है, क्या नौयात है, अगर इग्नोर कर दिया तो क्या होगा क्या नहीं होगा। एट द एंड जब वो बड़े हॉस्पिटलों का या इवन सरकारी हॉस्पिटल जो के नियर बाय एरियाज में जाते हैं तो या तो वो एम्प्यूटेशंस के साथ होते हैं या फिर फुट के इश्यूज होते हैं या फिर कोई ऐसी न्यूरोपैथी हो जाती है या फिर कोमाटोज स्टेज में होते हैं। तो यस जो एक्सेस प्रॉब्लम है वो रिमोट एरियाज का है और इस एक्सेस को बेहतर बनाया जा सकता है आपकी प्राइमरी केयर फील्ड को स्ट्रॉन्ग कर। टेक्नोलॉजी में देखें जब हम बात करते हैं कि क्या चीज कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है एंड देन हम बात करते हैं कि उसको कैसे हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, क्या चीजें अभी तक पाकिस्तान में अवेलेबल है और किन चीजों पे हमें काम करने की जरूरत है। तो जब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो देखें हमारे पास आती है कि सबसे पहले डायबिटीज में कि आपके पास मॉनिटरिंग की टेक्नोलॉजी क्या मौजूद है, जैसे कि हमारे पास कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग की जो एक पूरी टेक्नोलॉजी है जिसे हम रियल टाइम मॉनिटरिंग या फ्लैश मॉनिटरिंग कहते हैं, ये एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है जो कि पाकिस्तान में इस वक्त स्टिल मौजूद है। मैं ये नहीं कहती कि मौजूद नहीं है बट कॉमन नहीं, इट्स नॉट ईजी फॉर द कॉमन पीपल टू यूज दिस टेक्नोलॉजी। तो एक तो ये है कि मॉनिटरिंग की टेक्नोलॉजी है जो कि आपकी बहुत बड़ा आपके लिए सोल्यूशन है फॉर द डायबिटीज मैनेजमेंट। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी अगेन हमारे पास आ जाती है कि टेलीमेडिसिन, बेसिकली हम उसको डिवाइड कर रहे थे कि मोबाइल हेल्थ है। अब मोबाइल हेल्थ में आपके पास फिर टेलीमेडिसिन आ जाता है, फिर टेली हेल्थ आ जाती है, टेली मॉनिटरिंग आ जाती है और टेली कंसल्टेशन आ जाती है। तो टेली हेल्थ में आपके पास ये है कि आपके पास ऐसी मॉनिटरिंग फैसिलिटीज मौजूद हो जो कि आपकी शुगर्स की मॉनिटरिंग हो रही है टेक्नोलॉजी के थ्रू एंड ब्लूटूथ डिवाइसेस होने चाहिए, सीजीएम्स की टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास जो टेलीमेडिसिन है द पेशेंट डॉक्टर कम्युनिकेशन शुड बी इजी, ये एक बहुत बड़ा सोल्यूशन है टेक्नोलॉजी में। फिर उसके बाद जो थर्ड नंबर पर टेली मॉनिटरिंग मैंने कहा, टेली मॉनिटरिंग इज बेसिकली अ रिमोट मॉनिटरिंग प्रोग्राम कि आपका पेशेंट अगर रिमोट एरिया में भी मौजूद है और अगर वो कंसल्ट करता है या सिर्फ वहीं से बैठ के सिंपल ग्लूकोमीटर की डिवाइसेस से अपने शुगर्स को मॉनिटर कर रहा है और वो टेक्नोलॉजी को यूज करता है तो टेली मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो बहुत आसान और बहुत ही मैं समझती हूँ कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा एक सोल्यूशन है इन द टेक्नोलॉजी ऑफ द डायबिटीज मैनेजमेंट। तो ये डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं डायबिटीज के टेक्नोलॉजी में, लेकिन अब बात यह है कि हम रूरल एरिया में फिर लिटरेसी लेवल्स हमारे बहुत बड़ा चैलेंज इस टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करने का। तो ये ओवरऑल टेक्नोलॉजीज अवेलेबल सोल्यूशन है, लेकिन पाकिस्तान में क्या क्या चैलेंजेस है मेरे ख्याल में इस बाद हम आगे इंशाल्लाह इसको डिस्कस करते हैं डिटेल। बिल्कुल और यही यही मैं बात अब अगला सवाल भी यही था जो नेचुरली बनता है कि ऐसे क्या चैलेंजेस हैं कि हम इन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस को ऑल अक्रॉस पाकिस्तान
टीयर ए, टीयर बी, टीयर थ्री की सिटीज में लेके जा सकें, या सब अर्बन एरियाज में या रूरल एरियाज में, वो क्या इम्पेडिमेंट्स हैं या वो क्या बॉटलनेक्स हैं जो हमें वहां तक ले जाने नहीं देते हैं। एंड वी हैव गॉट रिसोर्सेज। टेक्नोलॉजी के अंदर कॉस्ट एक एलिमेंट होता है, लेकिन उससे बड़ी चीज होती है उसकी इम्प्लीमेंटेशन। तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस? कि मेजर चैलेंजेस तो अगेन वो यही है कि हम उस पैरामीटर से बाहर निकले कि एक जो ट्रेडिशनल वे ऑफ कम्युनिटी, जो हमारा एक पैटर्न है कि एक डॉक्टर बैठा है गांव में गया है, हमारे पास बहुत सारे हेल्थ कैंप्स होते हैं, बहुत सारी हमारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, बहुत सारी हमारी ऐसे वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारी हमारी एनजीओ है। मैं उन सबको सल्यूट और अप्रिशिएट करती हूँ कि दे आर प्रोवाइडिंग दे आर वैल्यूएबल सर्विसेज टू द रिमोट एरियाज, वी कैन नॉट डिनाई दिस फैक्ट। लेकिन अब उसमें तब्दीली की जरूरत, पैटर्न इज गोइंग ऑन, वहां इलाज भी किया जा रहा है, लेकिन अब वहां तब्दीली की जरूरत है। तो जो हमारा जो चैलेंज है वो यही है कि दे एक्चुअली आर नॉट अवेयर ऑफ द सोल्यूशन बाय यूजिंग द टेक्नोलॉजी। तो जो ये सर्विसेज वहाँ प्रोवाइड की जा रही है, उसके साथ साथ इन्हीं सर्विसेज को टेक्नोलॉजी के साथ इनकॉर्पोरेट होना चाहिए, और उसके साथ साथ वहां के रहने वाले लोगों को कंसिस्टेंटली एजुकेट करना चाहिए कि यू नो यू शुड नॉट वेट फॉर अ टाइम कि अब आपको वो सर्विसेज वाले वहां आएंगे और एक कैंप लगेगा और फिर वहां डॉक्टर आएगा और फिर उसको सर्विस मिलेगी। टिल दैट टाइम अगर कोई चीज हो रही है तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग। तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहला जो हमें जो चैलेंज आ रहा है वो ये है कि वहां के लोगों को एजुकेट नहीं किया जा रहा। अगर ये एजुकेशन की जाए और उनको समझाया जाए तो आई थिंक इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट। लेकिन अगेन सिकंदर, मैं थोड़ा सा इस बात से जो है ना एक ट्विस्ट, एक इख्तलाफ मेरा हमेशा रहा। मैं चूंकि आपको पता है डायबिटीज टेलीकेयर एक टेलीमेडिसिन पोर्टल पे काम कर रहा है, तो हमें अक्सर ये पूछा जाता है कि आपने टेक्नोलॉजी तो बना ली, ठीक है ना, व्हाट यू आर डूइंग फॉर द रूरल पॉपुलेशन। मेरा यहाँ आपके सवाल के साथ ही लिंक है कि हम बेशक अपने डिस्कशन में बात करते हैं क्योंकि हमारा मकसद यही होता है कि हम सर्विस उन लोगों को दें जहाँ सर्विस नहीं दी जा रही है। लेकिन सर मेरा यहाँ इख्तलाफ है कि जब आप बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, तो हमारा फोकस सबसे पहले ये होता है कि हमारा जो पढ़ा लिखा इंसान है, हमारा जो लिटरेट तबका है, वो तो पहले इन चीजों को यूटिलाइज करे। वो अभी तक उस मिथ से बाहर क्यों नहीं निकलता कि हम जो है वो टेक्नोलॉजी से कहीं ज्यादा बेहतर ह्यूमन टच है। जब तक हमें डॉक्टर हाथ नहीं लगाएगा, हम जो है वो ट्रीटमेंट नहीं होगी। मेरा ये हमेशा मानना होता है, और मैं बेशक हम रूरल एरियाज के लिए हमारा काम करना हमेशा मोटो रहता है, और इंशाल्लाह हमारा फ्यूचर भी यही है कि आप काम करेंगे। लेकिन जब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि पहले हम अपनी टारगेट करें लिटरेट पॉपुलेशन, हमारा लिटरेट तबका इस चीज का आदी हो जाए। क्योंकि लिटरेट तबका क्या होता है, किसी इंडस्ट्री का मालिक होता है, किसी बिजनेस का ओनर होता है, किसी रेस्टोरेंट का ओनर होता है, उसके अंडर काम करने वाले जितने भी लोग हैं दे हैव देयर रूट्स इन द रूरल एरियाज। एम आई राइट? So when they have their roots and when they see, when they learn from their owners, when they learn from their surroundings के भाई टेक्नोलॉजी तो इतनी इजी है कि हमारे जो बॉस हैं या हमारे जो जिनके घर में काम करता हूँ या जिनके होटल में मैं काम करता हूँ, उनके लिए तो हेल्थ में प्रॉब्लम ही नहीं है। दे जस्ट यूज टू क्लिक एंड दे जस्ट यूज टू, जब ये बातें कन्वे होती हैं तो देयर वर्ड्स स्प्रेड टू द रूरल एरियाज एंड दिस इज द पैटर्न विच विल गो अहेड इन लाइक दिस। अगर आप रूरल एरियाज में जाके डायरेक्ट टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी का रोना पीटेंगे तो उनको समझ नहीं आएगी। क्यों नहीं समझ में आएगी? बिकॉज वी कैन नॉट चेंज देयर रूट्स, हम नहीं चेंज कर सकते, हम उनकी लिटरेसी लेवल को फ्रॉम द वेरी बिगनिंग नहीं चेंज कर सकते। लेकिन चेंज ला सकता है उस रूरल एरिया से निकलने वाला हर वो बच्चा जो शहर में काम कर रहा है, वो शहर से जब गाँव अपनी छुट्टियों में जाता है तो वो ये चेंज ला सकता है। ये चेंज हम और आप नहीं लेकर आएंगे, हम और आप लेकर आएंगे अपने सराउंडिंग में इस चीज को कॉमनाइज कर। तो मेरा तो ये बहुत बड़ा सोल्यूशन पे बात मैं हमेशा हर जगह करती हूँ कि व्हाई वी ऑलवेज फोकस, और हम हमेशा हर किसी को टारगेट करते हैं कि अच्छा आपने टेक्नोलॉजी बनाई है, अच्छा आपने प्रोडक्ट बनाया है, तो आपने गांव वालों के लिए क्या किया। तो ये मेरा हमेशा जो है वो एक आपके प्लेटफॉर्म से मैं जरूर ये बात पहुंचाना चाहूंगी कि व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट इज दिस टेक्नोलॉजी इज वेरी कॉमन अमंग अराउंड अस, क्या हमारे सराउंडिंग में जितने सीईओज और ओनर्स और ये तमाम, क्या स्टिल दे आर यूजिंग द टेक्नोलॉजी और दे हैव द एक्सेस टू मूव टू द हॉस्पिटल एंड यू नो दे हैव देयर पीआर शिप्स थ्रू द डॉक्टर्स एंड दे जस्ट गो एंड अवेल द फेस टू फेस कंसल्टेशंस। सो दिस टेक्नोलॉजी इज फॉर देम, हमें तो उनको पहले यूटिलाइज करवाना है। तो मेरा तो मकसद ही यही, क्योंकि ये रूट स्प्रेड ही वहां पर होगी जाकर।